हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टाइमलाइनर्स में। तो देखिए, आज मैं आपसे और न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा इस हेलिकल स्प्रिंग में। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने हेलिकल स्प्रिंग पे एक और वीडियो डाल रखा है न्यूमेरिकल्स में, उसको आप जरूर जाके देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने कुछ बेसिक्स अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं थोड़े और अच्छे न्यूमेरिकल्स, थोड़े एडवांस टाइप के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा इसमें हेलिकल स्प्रिंग के बारे में। तो देखिए, इसमें जो पहला न्यूमेरिकल मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो कुछ इस तरह से है। इसमें मैं आपको बता दूं क्या क्या कहते हैं, इसमें जो मेन जो चीज़ें आपको निकालनी है, बाकी चीज़ें आपको पता होंगी और अगर आपने इससे पहले मेरा वीडियो देख रखा है। देखिए, इसमें जो दो नई चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं। पहली है, देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री वाइब्रेशन है आपको ये निकालना, ये एक नई चीज़ है। और दूसरी नई चीज़ है ये वॉल्स करेक्शन फैक्टर जो लास्ट में, यही दो चीज़ें इसमें मेन है जो आपको निकालनी है, बाकी सारी चीज़ें पुरानी हैं। तो मैं आपको फिर से रेकमेंड करूंगा, जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, कि आप मेरी इससे पहले वीडियो जरूर जाके वो देखिएगा जो इसका पार्ट वन है हेलिकल स्प्रिंग का। और मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि फ्रेंड्स, ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि मैं आप हेलिकल स्प्रिंग से रिलेटेड और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सारे सारे टॉपिक्स से रिलेटेड ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो देखिए, इस न्यूमेरिकल को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो उसका गिवन डाटा है वो लिखेंगे और उसके बाद जो जो पूछ रहा है स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए, आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देखिए, एक क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, उसका 100 mm जो मेन डायमीटर दे रखा है और 10 mm डायमीटर, मतलब मेन डायमीटर का मतलब है ये जो आपका डायमीटर है वो कॉइल का डायमीटर है और जो ये 10 mm है ये वायर का डायमीटर है। और जो क्या कहते हैं, इसमें जो टर्न्स है वो 20 दे रखी है, मतलब एन की वैल्यू 20 है। इसके बाद देखिए, जो लोड है आपको 200 न्यूटन का आपको यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद देखिए, जो डिटरमाइन शेयरिंग स्ट्रेस आपको बताना है, पहली चीज़ टेकिंग द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको दे रखा है यहाँ पे, डिटरमाइन डिफ्लेक्शन व्हेन द कैरिंग दिस लोड। इसके बाद क्या कहते हैं, आपको डिफ्लेक्शन भी इसमें बताना है इसमें व्हेन, और कैलकुलेट स्टिफनेस भी बतानी है आपको। आपको उसके बाद जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में पहले बताया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री वाइब्रेशन और वॉल्स करेक्शन, ये दो चीज़ें और बतानी हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे गिवन डाटा आपके लिए लिख रखा है, जो कैपिटल डी है वहाँ पे 100 mm दे रखा है, तो उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.1 मीटर होता है। और उसके बाद इसका जब रेडियस आप निकालोगे तो ये 2 से डिवाइड करके तो ये 0.05 मीटर आ जाएगा। और जो स्मॉल डायमीटर है वो 10 mm है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.01 मीटर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, लोड आपको 200 न्यूटन दे रखा है, एन की वैल्यू 20 है ही, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 84 GN दे रखी है। इसको मैं 10^9 से मल्टीप्लाई करा दूंगा गीगा हटाने के लिए। तो देखिए, ये सारी चीज़ें गिवन थी। अब देखिए, हम क्या कहते हैं, निकालते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले देखिए, शियर स्ट्रेस को निकालेंगे। तो देखिए, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता ही होता है, फॉर्मूले आपको मैं फिर से कहूँगा कि आप याद कर लीजिए क्योंकि फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आप क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से कर लोगे। और मैंने सारे फॉर्मूलेस एक ही वीडियो में आपके लिए कवर कर रखे हैं हेलिकल स्प्रिंग की, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जरूर जाके वो वीडियोज़ देखिएगा। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 16 WR डिवाइडेड पाई डी क्यूब। आपको सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, W लोड भी दे रखा, आपको R भी दे रखा, आपको D भी दे रखा, आप सिंपल सा पुट करके निकाल सकते हैं। याद रखिएगा कि इसकी वैल्यू को, जो शियर स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम जो होता है वो मेगा मेगा न्यूटन में ही होता है, इसलिए 10^6 ऐसा आप वैल्यू निकालिएगा जो 10^6 उसके साथ मल्टीपल में हो। आप क्या कहते हैं, आप मेगा न्यूटन में नहीं भी निकाल सकते हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो आप कोशिश करिएगा कि मेगा न्यूटन में ही रखें क्योंकि जो शियर स्ट्रेस है वो मेगा न्यूटन में होती है। तो देखिए, इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको निकालनी है, डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग निकालनी है। इसका भी आपको फॉर्मूला पता है, 64 WR³ एन सी डी की पावर 4 होता है। यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें गिवन है, W आपको पता ही है, R पता ही है, N भी पता ही है, आपको 20 दे रखा था क्वेश्चन में, और C जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी पता है आपको, D भी पता ही है। तो यहाँ से भी आप सिंपल सा इसे सॉल्व करके आप यहाँ से कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो तीसरी चीज़ पूछ रखी है वो स्टिफनेस पूछ रखी है। तो स्टिफनेस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है W/Δ, मतलब W/Load/में डिफ्लेक्शन। यहाँ से आप निकाल सकते हो, लोड आपको गिवन है, डिफ्लेक्शन अभी आपने निकाला, तो यहाँ से भी आप इसे निकाल सकते हो। इसके बाद देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी उसमें से पहली चीज़ है फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री वाइब्रेशन, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये होता है
वन अपॉन में टू पाई अंडर रूट में जी अपॉन में डेल्टा। यहाँ पे ये डेल्टा मतलब ये है, ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और जी का मतलब होता है वही 9.81 जो ग्रेविटी होती है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपल सा इसी फॉर्मूले पर पुट कर देना है, आप बिल्कुल आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। 1/2 पाई अंडर रूट में 9.81, और जो आपका डिफ्लेक्शन आया है यहाँ से, जो आपकी जो आंसर आएगा उसकी यूनिट भी आपको याद रखनी है, उसकी यूनिट होगी वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस क्वेश्चन में, वो था मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस यूजिंग वॉल्स करेक्शन फैक्टर। वॉल्स करेक्शन फैक्टर से यूज़ करके आपको निकालना था। तो देखिए इससे आप मैं आपको बता दूं, जो वॉल्स करेक्शन फैक्टर से जो शेयर स्ट्रेस निकलता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, 16WR/D³। तो इतना तो शेयर स्ट्रेस में रहता ही है, इसमें सिर्फ ये जो के है ये एक और मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ, मतलब जो के है इसके साथ एक और चीज़ ऐड हो जाती है। और देखिए इस के को निकालने में ही बहुत झमेला होता है। देखिए इस के का फॉर्मूला होता है 4S-1/4S-4+0.615/S। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे एस का क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए एस ये जो है वो क्या कहते हैं, स्प्रिंग इंडेक्स कहा जाता है इसे। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए आपको कैपिटल डी भी पता है, आपको स्मॉल डी भी पता है, तो सिंपल सा सबसे पहले आप डिवाइड करके उसको जो एस है उसकी वैल्यू निकालिए, तो एस की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी जो यहाँ पर आ रही है। उसके बाद इस 10 की वैल्यू को आप के में यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ से के की वैल्यू को निकालिए, और इस के को फिर यहाँ पे ये शेयर स्ट्रेस में पुट कीजिए, यहाँ से शेयर स्ट्रेस निकाल लीजिए। तो देखिए वही मैंने किया है, सबसे पहले मैंने क्या कहते हैं एस की वैल्यू निकाली और 10 आया, फिर मैंने उसे के में पुट किया है, तो वहाँ से मैंने मेरी जो वैल्यू आई है 1.0215 आई है। इसके बाद इस वैल्यू को क्या कहते हैं, मैंने शेयर स्ट्रेस में पुट कर दिया। तो देखिए शेयर स्ट्रेस में जब आप इसे पुट कर दोगे तो आपका आंसर कुछ लास्ट में कुछ इस तरह से आ जाएगा, 52.05 × 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन में समझाने के लिए बस यही चीज़ थी, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है यूजिंग वॉल्स करेक्शन फार्मूला, उसमें ये के और जुड़ जाता है, और इस के को निकालने के लिए ये इतना बड़ा फार्मूला होता है, ये मेन चीज़ थी। और दूसरा जो फ्रीक्वेंसी वाला जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो था, ये दो चीज़ें थी, बाकी तो सारी पुरानी ही चीज़ें थी क्वेश्चन में। तो देखिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप फॉर्मूले को ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं एक और अच्छा क्वेश्चन आपको बताता हूँ इसी के अंदर। देखिए इसमें क्या कहते हैं, आपको थोड़ी अलग चीज़ें दे रखी हैं, और सेफ्टी वॉल ऑफ 76 mm डायमीटर है उसका दे रखा है। उसके बाद दे रखा है इज़ टू ब्लो ऑफ एट अ प्रेशर, आपको यहाँ पे इसमें प्रेशर दे रखा है जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा, ये चीज़ आपको दे रखी है एडिशनल, तो इसी को आपको डील करना है। तो देखिए आपको प्रेशर दे रखा है 1.12 mN मीटर स्क्वायर, मतलब मेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर दे रखा है आपको। इट इज़ हेल्ड बाय अ क्लोज्ड कॉइल कंप्रेशन स्प्रिंग दे रखा है आपको, सर्कुलर स्टील बार है जिसका मीन डायमीटर 150.5 mm दे रखा है आपको, एंड द इनिशियल कंप्रेशन इज 55.4। मैं आपको बता दूँ ये कंप्रेशन आपको कह रखा है, ये डेल्टा है आपका। इसके बाद फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्टील बार, आपको जो डायमीटर है स्टील बार का वो मतलब स्मॉल डायमीटर आपको बताना है, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब एन की वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ पे स्ट्रेस आपको दे रखा है 126 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सी मॉडुलस ऑफ रेजिस्टिविटी भी आपको 79 दे रखा है। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको गिवन है, आपको इन सारी चीज़ों को लेके सॉल्व करना है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पे प्रेशर दे रखा है ना उसको सबसे पहले डील करना है। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है W मतलब लोड इक्वल टू प्रेशर इंटू में π/4 dV² ये फॉर्मूला होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसी पे पूरा ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो देखिए सबसे पहले जो P आपको दे रखा है 1.12 × 10⁶ मैंने 10⁶ इसलिए लगाया क्योंकि वहाँ पर मेगा दे रखा है, उसको हटाने के लिए 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, और π/4 तो है ही। उसके बाद देखिए जो dV² है उसका मतलब जो 76 यहाँ पर जो सबसे पहले आपको डायमीटर दे रखा है ना वही यहाँ पे क्या कहते हैं dV यूज़ करेंगे जो आपको यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए जो 76 यहाँ पे दे रखा है ये यूज़ करने, इसको मैंने डिवाइड किया 1000 से, वो क्यों किया है क्योंकि यहाँ पे mm है आपको मीटर चाहिए, तो इसलिए मैंने उसे 1000 से डिवाइड करके स्क्वायर कर रखा है।
देखिए इस सारी चीज़ों को आप सॉल्व करोगे तो आपको जो W की वैल्यू हो वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, 50-80 न्यूटन आ जाएगी। तो देखिए यही आपकी W की वैल्यू आ गई। तो मतलब प्रेशर की वैल्यू में से W की वैल्यू आपने कुछ इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकाली। ये पहला इंपॉर्टेंट स्टेप था इस क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए आपको शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है, 16 WR π D³ होता है। देखिए शियर स्ट्रेस आपको गिवन है ही। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप, D³ की मतलब D की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि आपको बाकी सारी वैल्यू गिवन है। आपको W आपने निकाल ही लिया है, R आपको गिवन है क्वेश्चंस में, और पाई और D³। तो यहाँ से देखिए सिंपल सा आप D³ को इधर लेके चले जाओगे और सारी चीज़ें को इधर लेके आ जाओगे, तो सिंपल से कैलकुलेशन करके आप D की वैल्यू निकाल सकते हो। जो D की वैल्यू आएगी वो 25 mm आएगी। अब देखिए दूसरा जो आपसे क्वेश्चन पूछा है इसमें डिफ्लेक्शन आपको दे रखा है। मैंने आपको बताया था 25.4 है वो डिफ्लेक्शन दे रखा है। तो देखिए उसको भी 1000 से डिवाइड कराओगे क्योंकि आपको मीटर में चाहिए, तो वहाँ से मैंने 1000 से डिवाइड करा दिया है। तो देखिए यहाँ से आपने इसको डिवाइड कराने के बाद यहाँ से आप नंबर ऑफ टर्न्स जो एन है वो यहाँ से निकालोगे क्योंकि आपको बाकी सारी चीज़ें तो गिवन है, तो सारी चीज़ों को आप एक तरफ लेके चले जाओगे और एन को यहीं पर छोड़ दोगे, तो यहाँ से एन भी निकल जाएगा। तो देखिए आप इन सबको सॉल्व करोगे तो जो एन की वैल्यू आपको 5.4 निकल के आ जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वही था, अगर प्रेशर की फॉर्म में आपको दे रखा है कुछ तो वहाँ से आपको W की वैल्यू कैसे निकालनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था। बाकी सारी चीज़ें आप ऐसे निकाल सकते हो। तो देखिए आज मैंने आपसे दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए, इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बना रखा है उसमें भी दो न्यूमेरिकल बता रखे मैंने। तो देखिए आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।